सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको मिले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन। जैसे कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि आपको इस EMI 2i के पावर बैंक के बारे में फुल रिव्यू लेके आने वाला हूँ, तो आपको आज मैं फाइनली इसका रिव्यू लेके आया हूँ और आज आपको बताऊंगा कि आपको ये पावर बैंक लेनी है या नहीं, आपको इस पावर बैंक में क्या क्या फीचर्स देखने को मिलने वाली है, इन सभी बातों को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप ये वीडियो एंड तक देखिए और वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों चलिए बिना वक्त गवाए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ कि अगर आप पावर बैंक लेने की सोच रहे हो और आप सोच रहे हो कि मैं 10,000 mAh की पावर बैंक लूँ, जैसे कि ये देख सकते हैं 10,000 mAh की पावर बैंक मेरे पास है, तो इसे आप लेने की सोच रहे हो और सोच रहे हो कि आपके फोन की बैटरी जो है 2000 mAh के, तो ये 5 बार आपको चार्ज करके देगा। तो ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये 5 बार नहीं होता चार्ज इससे, क्योंकि जैसे ही कि आप 10,000 mAh की पावर बैंक ले लेते हो और आपके बैटरी की कैपेसिटी 2000 mAh है, तो आपको 5 बार आपकी बैटरी को फुल चार्ज नहीं करेगा, लगभग 3 बार ही आपका फोन चार्ज हो सकता है, क्योंकि इससे जो एनर्जी लॉस होती है वो इस केबल्स के थ्रू जब आपके फोन में चली जाती है, जैसे कि आप इस पे फोन कनेक्ट कर देते हो तो इससे जो पावर बैंक की जो बैटरी की कैपेसिटी है उसके हिसाब से वो इससे पावर जाती रहती है, लेकिन कुछ एनर्जी जो है वो लॉस होती है, क्योंकि आपको तो पता है कि ये तो एक पावर बैंक है जो कि एक चार्जर नहीं है, तो इससे कुछ तो एनर्जी लॉस होती है, जैसे कि हमें कंपनी वाले बता देते हैं लेकिन हम अच्छे तरीके से उसे पढ़ते नहीं, इसलिए आप लोगों को पता नहीं होता है कि आपको लगता है कि यार पावर बैंक तो फंस गए हम, पावर बैंक अच्छी क्वालिटी की नहीं है, लगता है एक गलत पावर बैंक हमने खरीद ली। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये पावर बैंक जो है एकदम सही होती है और सब कुछ जो बताया जाता है आपको, जो कि जो कुछ भी बताया जाता है वो सब कुछ सही होता है, इसमें कोई भी कंपनी आपको झूठ नहीं बोलती, लेकिन आप के पढ़ने में कोई दिक्कत आती है, मतलब आप अच्छे तरीके से उसे नहीं पढ़ते, तो इसके लिए जो है आपको जो है परेशानी उठानी पड़ सकती है। जैसे कि दोस्तों ये 10,000 mAh की पावर बैंक है और लगभग मेरा फोन इसे 3 बार चार्ज होता है, तो मेरे फोन की कैपेसिटी 2700 mAh की इसकी बैटरी है जो कि मैं इस फोन को यूज करता हूँ इस पे चार्ज करने के लिए, तो मैं लगभग 3 बार इसे चार्ज करता हूँ जो कि मैंने EMI.com से मंगाई है, आप लोगों को तो पता ही है। तो आपको इस पावर बैंक की खासियत भी बता देता हूँ, जैसे कि आपको कोई भी डिवाइस अपने फोन को चार्ज करना है, जैसे कि आप इसको इसे कनेक्ट कर देते हो, जैसे कि मैं आप लोगों को कनेक्ट करके दिखा देता हूँ, जैसे कि आप इसे कनेक्ट कर देते हो ऑटोमेटिकली जो है आपके पावर बैंक देख सकते हैं यहाँ ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाती है, मतलब ये जैसे ये कोई भी डिवाइस आप कनेक्ट कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली जो है स्टार्ट हो जाती है और ये देख सकते हैं ब्लिंकिंग कर रहा है, अभी मेरे पास 2 चार्ज LED ब्लिंक कर रहे हैं, तो इसका मतलब 2% इसकी बैटरी है जो कि इसके हिसाब से कितनी होती है आपको पता ही होगा। तो ये देख सकते हैं मेरा फ़ोन भी चार्ज हो रहा है, ऑटोमेटिकली चार्ज भी होता है। और इसकी दूसरी खासियत मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि अगर आपका फ़ोन 100% चार्ज हो जाता है तो ऑटोमेटिकली डिसकनेक्ट भी कर लेता है, ये भी काफ़ी अच्छी बात है जो कि इस कंपनी ने EMI वालों ने आपको इसमें दी गई है, जो कि पावर बैंक में सभी नहीं मिलते आप लोगों को, लेकिन इस पावर बैंक में आप लोगों को ये बात देखने को मिलती है। और दूसरी बात दोस्तों, आपने बॉक्स पर देखा ही होगा, जैसे कि मैंने अनबॉक्सिंग वीडियो की थी तो वहाँ आप लोगों को ऊपर की साइड में भी दिखाया होगा कि वहाँ कुछ कुछ इस पावर बैंक की खासियत बताई गई थी, जैसे कि ये शॉर्ट सर्किट से आप लोगों को बचाता है, जैसे कि शॉर्ट सर्किट को
के बारे में इसको पता लगता है, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाता है। और दूसरी बात दोस्तों, मैं अपना फ़ोन इससे डिस्कनेक्ट कर लेता हूँ। फिलहाल डिस्कनेक्ट करने के बाद भी ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाती है, लेकिन उसे डिस्कनेक्ट होने में लगभग आधा मिनट निकल जाता है, तो ये ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो भी जाती है। और दूसरी बात कि अगर आपके पास कोई फिटनेस बैंड है हाथ में पहनने के लिए या फिर कान में पहनने के लिए, जो ब्लूटूथ आप यूज़ करते हैं उसके चार्जर आप लोगों ने देखे होंगे कि आजकल कंपनियां बहुत आती रहती है जो कि आपको उसके चार्जर भी लेने पड़ते हैं, क्योंकि उसकी बैटरी के हिसाब से उन लोगों ने चार्जर दिए होते हैं। लेकिन इस पावर बैंक में आपको एक खासियत मिलने वाली है, जैसे कि दोस्तों ये देख सकते हैं किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। आप देख सकते हैं, अभी मैं ये ऑफ हो गई थी, मैं इसे फिर से स्टार्ट करता हूँ तो देख सकते हैं किस तरीके से ब्लिंक कर रहा है। अगर आपको छोटे मोटे डिवाइस इसे चार्ज करने हैं, जैसे कि फिटनेस बैंड हो गया या फिर ब्लूटूथ डिवाइस, जो कि मैंने अपने फ्रेंड का इसे ऐसे हाई इसे ऑन करके मैंने लगाया था, तो लगभग आधे मिनट के अंदर ही वो ऑटोमेटिक डिस्कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि इसकी पावर जो है, उसकी कैपेसिटी जो है, उस बैंड को जो है इसकी कैपेसिटी ज़्यादा हो गई, इसलिए ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट कर देता है पावर बैंक। और आपको उसे चार्ज करने के लिए क्या करना पड़ता है, मैं आप लोगों को भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मैंने ऑन कर दिया, अभी ये पावर बैंक ऑन है। ये जो है आपके मोबाइल की कैपेसिटी से ये एनर्जी देता है इस सॉकेट से, लेकिन आपको इसे दो बार प्रेस कर देते हो तो ये देख सकते हैं किस तरीके से ब्लिंकिंग कर रहा है। अब देख सकते ये अलग अलग तरीके से ब्लिंक कर रहा है, मतलब अब ये जो है नॉर्मल मोड पर आ चुका है। इससे आपके छोटे मोटे डिवाइस जो है आप चार्ज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। तो देख सकते हैं किस तरीके से आप इससे अब एनर्जी जो है इससे कम जा रही है, और इससे जो है आप छोटे मोटे डिवाइस भी चार्ज कर सकते हैं बड़ी आसानी से। आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी इससे पावर बैंक से, क्योंकि मैंने भी चार्ज किए थे, इसलिए मैंने आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर आप ये पावर बैंक लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं दोस्तों। और इसकी पावर बैंक फुल होने के लिए लगभग 4.5 घंटे निकल जाते हैं, जो कि मैं अपने वीवो के चार्जर से ही उसे चार्ज करता था। उसकी रेटिंग अभी मुझे पता नहीं है, आप जाकर देख सकते हैं जिसके पास वीवो का फ़ोन से, क्योंकि वीवो के सब ब्रांड में जो है लगभग उसी चार्जर को दिया जाता है, जो कि मैं Y53 को यूज़ करता हूँ, उसी चार्जर से मैंने इस पावर बैंक को चार्ज किया था। और दोस्तों दूसरी बात कि इसमें आपको जो है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट दिया गया है एमआई वालों ने। अगर आप फास्ट चार्जिंग मोबाइल सपोर्ट करता है तो ऑटोमेटिकली जो है आपके फ़ोन को जो है फास्ट चार्ज कर देगा। मैंने उससे अपने फ़ोन को भी चार्ज किया था, फिलहाल मैं उसी फ़ोन से ये शूट कर रहा वीडियो, क्योंकि अभी मेरे पास इस Y53 से जो है अच्छी क्वालिटी नहीं दिखाई देती, इसलिए मैंने उसी फ़ोन से जो है आप लोगों को शूट कर रहा हूँ। इसलिए मैं उसकी फ़ोन को आप चार्ज पर लगाकर दिखा नहीं सकता, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आप एक साथ ही दो मोबाइल चार्ज करते हो और अगर आपका फ़ोन जो है फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, फिर भी ये आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि आपका फ़ोन फास्ट चार्ज सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि फास्ट चार्जिंग सपोर्ट होने के लिए एक ही मोबाइल आपको इसमें लगाना पड़ेगा। मतलब प्लग इन जब आप कर देते हो उस सॉकेट में, तो आपको फास्ट चार्जिंग वाला मोबाइल इसमें लगा देना है एक ही सॉकेट में। अगर आप एक साथ दो मोबाइल को लगा देते हो तो ये जो है आपके फ़ोन को फास्ट चार्ज नहीं कर सकेगा, ये पहले में बता देता हूँ। अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता तो ये ऑटोमेटिकली जो है आपके हिसाब से जितने आपके पावर बैंक की कैपेसिटी होती है, जितना आपके चार्जर से चार्ज होता है, उसके हिसाब से इधर उधर थोड़ी बहुत हो जाता है और आपका फ़ोन जो है चार्ज हो जाता है। और अगर आपका फ़ोन फास्ट चार्जिंग सपोर्ट है तो डेफिनेटली ये जो है आपका फ़ोन को जो है फुल चार्ज कर देगी, वो भी कुछ ही घंटों के अंदर। ये तो आप लोगों को पता ही है कि फास्ट चार्जिंग से फास्ट चार्ज होता है, सिर्फ आपको एक साथ दो मोबाइल लगा देते हो तो ये फास्ट चार्जिंग सपोर्ट नहीं करता दोस्तों। और दोस्तों आपको एक दूसरी भी बात मैं बता देता हूँ, जैसे कि दोस्तों ये पावर बैंक में जो बैटरी यूज़ किए गए है इसके अंदर, ये काफ़ी हैवी भी है, मतलब इतना भी हैवी नहीं है, आप इसे कैरी कर सकते हैं बड़ी आसानी से, आपके पॉकेट में भी ये अच्छे तरीके से फिट हो जाता है। जितना स्मार्टफोन की साइज़ है आप देख सकते हैं, उससे थोड़े बहुत मात्रा में ज़्यादा है, लेकिन ये स्मार्टफोन इतना बड़ा भी नहीं है। आपका फ़ोन बड़ा होता है तो ये डेफिनेटली आपके स्मार्टफोन ही जितनी ही इसकी साइज भी है, तो आप इसे आसानी से कैरी कर सकते हैं अपने पॉकेट में, तो इसकी कोई भी टेंशन नहीं है। आप देख सकते हैं इसका फिनिशिंग वगैरह सब कुछ अच्छा है, सही से है, इसकी केबल क्वालिटी वगैरह सब कुछ अच्छे तरीके से दिया गया है। जैसे कि दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ, दूसरे आप पावर बैंक लेते हो, जैसे कि मेरे
भाई के पास ही है, वो लगभग 10,000 mAh की है, लेकिन उसका फोन जो है 1 से 1.5 बार ही चार्ज होता है। जी हाँ दोस्तों, मैं आप लोगों को सही बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता ही होगा कि मार्केट में ऐसे भी पावर बैंक्स मिलते हैं जो कि 30,000 mAh की बता देते हैं या फिर 50,000 mAh के भी बता देते हैं, लेकिन आपका फोन जो है इतने अच्छे तरीके से चार्ज नहीं कर पाते हैं वो लोग वो बैटरीज। इसलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको पावर बैंक लेनी है तो ब्रांडेड डिवाइस की ले सकते हैं, जैसे कि लेनोवो, यमाहा या फिर सैमसंग, ऐसे ब्रांड के जो अच्छे अच्छे ब्रांड होते हैं, जो ब्रांड आपको मतलब उसकी क्वालिटी वगैरह कैसी होती है या आप लोगों को पता है तो आप ले सकते हैं, जैसे कि लेनोवो हो गया या फिर यमाहा का, सैमसंग का, ऐसे जो बड़े बड़े ब्रांड है आप उसकी क्वालिटी ले सकते हैं। वोवे का भी बहुत अच्छा है, मैं भी पहले यूज़ करता था, फिलहाल मैंने अपने फ्रेंड को दे दिया है, मतलब बेच दिया है ऐसे ही, क्योंकि अभी मुझे जो मेरा वोवे का था तो वो उसकी कैपेसिटी कम थी, इसलिए मैंने नया खरीद लिया है। और मुझे 20,000 mAh का लेना चाहिए था ऐसा मुझे लग रहा है, लेकिन मैंने 20,000 mAh का नहीं लिया, ये भी काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि 20,000 mAh की साइज जो इससे कंपैक्ट कर लेते हैं तो हमें उसकी साइज बहुत बड़ी मिलती थी, मतलब ऐसी इतनी स्लिम आपको उसकी साइज देखने को नहीं मिलती थी, इसलिए मैंने यही लिया। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि यार उसे लेना चाहिए था, फिर भी चलो ठीक है, ये भी पावर बैंक अच्छी है। अगर आपको भी कोई पावर बैंक लेनी है तो आपको एक दो चीज़ें का मैं आपको बता देता हूँ कि आपके यहाँ सॉकेट जो होते हैं, इसमें सॉकेट जो लगे होते हैं उसे आप जो है 1-2 सॉकेट का ही ले लीजिएगा। दोस्तों आप इसमें 2 सॉकेट लगे होते हैं, देख सकते हैं, आप 1 सॉकेट का मत लीजिएगा। यमाई का पहले भी ब्रांड थे जिसमें जो है आपको जो है 2 सॉकेट का नहीं मिलता था, लेकिन आप देख के ले सकते हैं, 2 सॉकेट का भी ले सकते हैं, क्योंकि आप एक साथ 2 फोन को चार्ज कर सकते हैं। अगर आपका फ्रेंड भी चार्ज करने की सोच रहा है तो आप ट्रैवल करते वक्त तो 2 फोन एक साथ चार्ज कर सकते हैं इस पावर बैंक की मदद से, इसलिए आप कभी भी लेते हो तो 2 पोर्ट का ही लीजिएगा। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप कोई ट्रिप पर निकल जाते हो तो शाम को आपको मोबाइल कैरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप इसमें जो है LED लाइट्स का पावर बैंक ले लेते हो, लेकिन आपको इसमें LED लाइट्स नहीं मिलती है दोस्तों। ये यमाई वालों ने इसमें देनी चाहिए थी लेकिन उन्होंने नहीं दी, क्या पता है उसके पीछे का राज हमें भी नहीं पता है, लेकिन उन्होंने उसमें देनी चाहिए थी, इतना बड़ा भी कुछ खर्चा नहीं आने वाला था, लेकिन उन्होंने इसमें नहीं दी है। लेकिन इसके बाकी के मामले में जो ये पावर बैंक जो इन लोगों ने बनाई है इतनी रेंज में, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी पावर बैंक है, क्योंकि मुझे तो ये पावर बैंक बहुत पसंद आई है। इसके जो फीचर्स है ये काफ़ी हद तक मुझे पसंद आए, क्योंकि दूसरे पावर बैंक में ये नहीं मिलते। यार मैं सच कह रहा हूँ, दूसरे पावर बैंक में आपको इतने सारे फीचर्स नहीं मिलते, इसलिए आपको डेफिनेटली पावर बैंक लेनी चाहिए। अगर आप दूसरे मॉडल की लेना चाहते हो तो भी ले सकते हैं, इसमें 2 वेरियंट है, एक तो 20,000 mAh का भी इसमें देख सकते हैं आप वेरियंट, लेकिन वो थोड़ा सा बड़ी साइज में दिखाई देता है, या फिर आप दूसरे भी ब्रांड के ले सकते हो, जैसे कि वैसे मैंने पहले ही बता दिया, आप अपने हिसाब से ले लीजिएगा, मुझे बार बार बताने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आप ले लीजिएगा अपने हिसाब से, कोई भी पावर बैंक लेने की सोच रहे हो तो ले सकते हैं। मुझे ये पावर बैंक जो अच्छी लगी इसलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आएगी, पसंद आती है तो प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और आप लोगों ने कमेंट नहीं किया तो कमेंट भी कर दीजिएगा, क्योंकि कमेंट नहीं करते तो मुझे पता भी चलेगा क्या आपको पावर बैंक कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते ऐसे ही चले जाते हो, लाइक करते नहीं, कमेंट नहीं करते, सब कुछ कर दीजिएगा धड़ाधड़, क्योंकि भाई का चैनल जो है, आप आज से मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि कोई भी आप वीडियो आप मुझे सजेस्ट करो तो मैं उसकी वीडियो जरूर से बनाऊंगा यार। तो आई होप दोस्तों आपने लाइक भी किया होगा, सब्सक्राइब किया होगा, कमेंट किया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं अगली फ्रेश और इंटरेस्टिंग टॉपिक वीडियो साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर, टिल देन एंड गुड बाय।